राशि बहुत ही कोमल हृदय की राशि होती है, कोमल स्वभाव की होती है और लग्जरी राशि है, रहीसी राशि है, ठाट बाट वाली राशि है। वो कर्क राशि बहुत ही इमोशनल है, भावुक है, सहज है, सुंदर है। ये सारी चीजें कर्क राशि में पाए जाते हैं। कर्क राशि वाले व्यक्ति प्लानिंग मास्टर होते हैं, इनके प्लान बहुत बनते बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि कर्क राशि एक तो जल राशि है और जल तत्व की राशि है, और कर्क का अर्थ होता है केकड़ा। केकड़ा जो होता है वो उसके इस तरफ भी पैर रहते हैं, इस तरफ भी रहते हैं। जब और उसको इस तरफ जाना है तो ऐसे मुड़ के नहीं जाता, वो यहाँ से चल देगा, इस तरफ जाने यहाँ से चल देगा, मुड़ना नहीं पड़ता उसको, दोनों पैर इस तरह के पैर काम करने लगते नहीं यहाँ के, इस प्रकार से। और बड़ा बेढप शरीर होता है केकड़े का, कहीं मोटा है, कहीं पतला है, कहीं मोटा है, इस प्रकार से केकड़े का स्वरूप देखा हुआ, केकड़ा देखा हुआ। तो इसी प्रकार से कर्क राशि वाले व्यक्तियों के जो शरीर की आकृति, जो बनावट है, वो बड़ी विचित्र प्रकार की होती है। कहीं किस अंग मोटा हो, कभी पेट बड़ा हो गया, कभी पैर मोटे हो गए और हाथ, तो मतलब कहीं ना कहीं बेढप शरीर होता है एक कर्क राशि वालों का। किसी किसी का सुंदर भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, यानी जो स्वभाव गति स्थिति है वो बता रहा हूँ। तो एक तो शरीर बेढप होता है और बहुत सुंदर होता है, यानी गौर वर्ण के होते हैं, सांवले नहीं होते हैं कर्क राशि वाले, और बहुत इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, कल्याणकारी इनकी भावना होती है, और सतत उद्योगी, हमेशा उद्योग में लगे, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, हमेशा उद्योग करता, मतलब अपने खान पान के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है और दौड़ता है, इधर से भी दौड़ता है, इधर से भी। इसी प्रकार कर्क लग्न राशि वाले व्यक्तियों का स्वभाव होता है, एक जगह से काम नहीं चलता, एक दो जगह, दो तीन जगह से जब तक आय के स्रोत ना हो तो इनको शांति नहीं मिलती, एक दो जगह के स्रोत बना ही रखते हैं, ये स्वभाव होता है। वो प्रेमालु स्वभाव के होते हैं, बहुत प्रेम प्रकाष्ठा भरी है, दूसरों के व्यक्ति भी प्रेम दर्शा बताते हैं और दूसरों से भी अपेक्षा है कि प्रेम प्राप्त हो, प्रेम के भूखे होते हैं, ये उनमें सबसे बड़ी कमजोरी है। तो प्रेम के भूखे होने से ये प्रेम दूसरों को भी देते हैं और दूसरे से प्रदान भी करना चाहते हैं और प्रसन्न चित्त रहते हैं, लेकिन इन शरीर का जिद्दी व्यक्ति भी कोई नहीं होता है। कर्क लग्न राशि वाले व्यक्ति बहुत महान जिद्दी होते हैं, जो ठान लें वो करना है, हैं? और इनका जो क्रोध और प्रेम मुखाकृति पे आ जाए, मुखमंडल पे आ जाता है, अगर वो प्रसन्न हैं तो एकदम जो है उनका मुख जैसे प्रसन्न दिखने लगेगा, मुख से समझ लो। और पद में मासा पद में तोला, अपनी प्रशंसा सुन खूब ही प्रसन्न हो, ये बिकली पद चिंतन में मन को रमाता है, होते छोटे कंधे जाके गोल मोल चेहरा लघु आंखें घुमाता है, लोक हितकारी शांत सहनशील भावरी, मुख्य तत्व ज्ञाता वह ज्ञान को जमाता है, जन्मा जो कर्क लग्न राशि पति चंद्रमा का गौण गौरव स्वभाव अरुण पूरा समाता है। चंद्रमा इसका राशि स्वामी होता है, चंद्रमा 15 दिन क्षीण होता है, 15 दिन पूर्ण रहता है, उसी प्रकार से इनकी मुख की कांति, मुख की प्रसन्नता किस क्षण नष्ट हो जाए, किस क्षण कांति बढ़ जाए, ये उनको भी पता नहीं है। विपरीत स्थिति में ये बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, वचन के ये ऐसे हैं कि अगर इनसे कह दिया जाए कि कल हमको 4 बजे अपन को कहीं जूस जगह जाना है, तो बराबर 4 बजे आपको जाना ही होगा, अगर नहीं आए तो एक क्षण में क्रोध हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएंगे, बाबूजी गुस्सा हो जाएंगे। तो ये इनका स्वभाव होता है। आइए, चल राशि होने के कारण हमेशा चलाए मान रहते हैं,
जल तत्व राशि होने के कारण शीत में ही इनका प्रभाव ज्यादा रहता है, सर ठंडे शरीर के रहते हैं। इस राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, और चंद्रमा पर ही इसका इनका पूरा खेल निर्भर करता है। अब ग्रहों की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए कैसी है? एक तो सप्तम भाव में इनके शनि और गुरु पूरे महीना भर चलेंगे, और ग्यारहवें भाव में राहु चलेंगे, और मंगल 22 फरवरी को, अभी मेष में चल रहे हैं, 22 फरवरी को ये वृषभ में पहुंच जाएंगे मंगल देव। शुक्र देव अभी जो चल रहे हैं 28 जनवरी को ये धनु राशि पर उतर करके मकर पर पहुंच जाएंगे, और 21 जनवरी फरवरी को ये वापिस जो है सो कुंभ पे पहुंच जाएंगे। तो ये राशि का परिवर्तन करते रहेंगे, और 25 तारीख को यानी 25 जनवरी को जो बुधदेव हैं, 25 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और 25 जनवरी को ये कुंभ पे पहुंच जाएंगे, और फिर जो है 21 जनवरी को पुनः रिवर्स होंगे यानी बकरी हो जाएंगे बुध। तो 25 जनवरी से 21 फरवरी के बीच जो बकरी होंगे, कुंभ से बकरी होकर पुनः वापस जो है तो मकर पे आ जाएंगे। जब बुध बकरी होता है तो अति शुभ फल देता है, शुक्र बकरी होता है तो अति शुभ फल देता है, मंगल बकरी होता अति पाप फल देता है, शनि बकरी होता अति पाप फल देता है, गुरु बकरी होता अति शुभ फल देता है, जो ग्रह शुभ है सौम्य ग्रह जब बकरी होते हैं तो अति शुभ फलदायक होते हैं, पाप ग्रह जब बकरी होते अति पाप फलदायक होते हैं, ये हमेशा ज्योतिष का सिद्धांत है। तो अब इस स्थिति में बुधदेव इस फरवरी मास में बकरी होने जा रहे हैं, तो अब मेष राशि या कर्क राशि वालों के लिए गुरु कैसे रहेंगे? गुरु पूरे महीना भर कर्क राशि वालों के लिए गुरु अभी मकर पे चल रहे हैं तो साथ में हो जाए चल रहे हैं। सप्तम गुरु क्या कहते हैं? गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ चिंता कारक है, जहाँ देखते हैं वहाँ आनंद कर देते हैं। तो सप्तम भाव पत्नी का है, स्त्री का है, यहाँ थोड़ा चिंता कारक बने हुए हैं, पत्नी के लिए थोड़ा विरोधात्मक रूप हो सकता है, और इस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेंगे कर्क राशि वाले व्यक्ति को, लग्न वाले व्यक्तियों के बाद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा होने के साथ बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन इन दोनों के लिए सुख शांति समृद्धि का समय है, इनका उत्थान होगा, लाभ होगा, विद्या बुद्धि अच्छी रहेगी, परिष्कृत होंगे, पराक्रम अच्छा करेंगे। ये हो गया गुरु। शनिदेव वो भी साथ में है, जब सप्तम शनि चलते हैं तो पत्नी से वैमनस्यता समाप्त करके एक मधुरता लाते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, कर्म को बिगाड़ते हैं, भाग्य को बिगाड़ते हैं, और आपके सुख में बाधा पहुंचाने वाले होंगे। जो शनिदेव है भाग्य में अचानक चोट चपेट पहुंचाने वाले पूरे महीना भर रहेंगे, और भवन भूमि वाहन ऐसो आराम सुख सुविधाएं इष्ट मित्र माता इन सब को कष्टकारक रहेंगे, और आपके स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा कष्टकारक रहेंगे, ये शनिदेव का प्रभाव रहेगा। और राहु देव आपकी जो राशि कर्क है उससे एकादश भाव ग्यारहवें भाव में वृषभ राशि पे चल रहे हैं। ग्यारहवें राहु क्या करें? एकादशे सर्वलाभम, सब प्रकार से लाभदायक सिद्ध होंगे राहु देव, यानी राहु के बराबर धन देने वाला कोई नहीं है और उसके नुकसान करने वाला कोई नहीं है, सबसे खतरनाक होता है राहु, और वो आपके ग्यारहवें घर में है तो लोगों को विनाश करने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, लक्ष्मी योग बनाने वाले हैं। इस प्रकार से राहु पूरे महीना भर अच्छा काम करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। मंगल देव की स्थिति क्या रहेगी?
मंगल देव 28 जनवरी को, तो ये परिवर्तन हो करके 28 जनवरी को मंगल ये शुक्र देव की स्थिति क्या रहेगी? हाँ, 22 फरवरी तक मंगल देव 22 फरवरी 2021 तक मेष पे रहेंगे, उसके बाद वृषभ पे पहुंच जाएंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए कहा है कि जब वृषभ पे पहुंच जाएंगे तो 11वें हो जाएंगे, तो वृषभ पे रहे मेष पे रहेंगे तो 9, इस प्रकार से कहा 9वें रहेंगे है? तो 10वें रहेंगे, उसके बाद 11वें हो जाएंगे। तो अभी जो है वर्तमान में मंगल देव 10वें चल रहे हैं और फरवरी से ये पहुंच जाएंगे एकादशे सर्वलाभम। जब वृषभ राशि पे 22 तारीख को जाएंगे, 22 फरवरी को, तो लाभ स्थान पे बहुत चमत्कारिक लाभ देने वाले होंगे कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि लाभ भाव में मंगल बहुत अच्छा काम कराने वाले होते हैं। ये मंगल की स्थिति बताई। और शुक्र देव की स्थिति क्या है कि शुक्र अभी 28 जनवरी को धनु राशि से उतर करके आगे चल के और मकर राशि पे पहुंचने वाले हैं, पूरे महीना भर मकर पे रहेंगे, तो आपकी राशि से 10वें हो जाएंगे। 10वें शुक्र थोड़ा सा सुख के लिए तो अच्छा है, दृष्टि अच्छी है, लेकिन शुक्र जो है जहाँ कर्म स्थान है वो कलात्मक से जुड़े लोग हैं उनके लिए बहुत सुप्रद है, बाकी लिए सामान्य है। और यही शुक्रदेव 21 तारीख को राशि परिवर्तन करके कुंभ पे पहुंच जाएंगे। कुंभ पे पहुंचने के बाद में ये बहुत हानिकारक हो जाएंगे कर्क राशि वालों को 22 फरवरी से, क्योंकि अष्टम हो जाएंगे आपकी राशि से, आठवां मृत्यु भाव होता है। इस समय आपकी पत्नी 28 तारीख के बाद में, मतलब 22 तारीख 22 फरवरी के बाद में पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो, पत्नी से आपका विवाद हो, पत्नी सुख में कमी हो, महिला जाति से आपको नुकसान हो सकता है और आपके पारिवारिक जीवन में भी अशांति पैदा कर सकते हैं। और आपको जो विशेष रूप से डायबिटीज जो हो है तो वो ज़्यादा बढ़ सकती है। शुक्रदेव 8 में रहेंगे, कौन 22 फरवरी के बाद, अभी उसके पहले बहुत अच्छा फल देने वाले हैं शुक्रदेव। और बुधदेव व्यापार के कारक हैं। अभी ये बुधदेव जो है तो 21 तारीख को ये परिवर्तन राशि का करके और ये कुंभ राशि पे जाएंगे और कुंभ राशि से पुनः रिवर्स होंगे, यानी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, यानी वक्री चलेंगे, तो पुनः मकर पे आएंगे पूरे 15 दिन के अंदर। तो जब बुध वक्री होंगे तो ये व्यापारी वर्ग के लिए बहुत स्वर्ण युग कहलाएगा। व्यापार में बड़े बड़े ऊंचाइयां छूने को मिलेंगी, व्यापार लाभ ज्यादा होगा, वो अनेक स्रोतों से व्यापार करेंगे, उनमें लाभान्वित होंगे। सूर्यदेव की स्थिति क्या है? अभी 15 फरवरी तक तो सूर्यदेव चलेंगे वृषभ राशि पर और आपकी राशि से वृषभ राशि एकादश है तो लाभप्रद में होंगे। 15 फरवरी तक लाभ करने वाले होंगे, गवर्नमेंट से शासन से लाभ होगा और उसके पश्चात यही परिराशि परिवर्तन करके जब कुंभ राशि पे पहुंच जाएंगे तो आपकी राशि से 8वें हो जाएंगे, ये बहुत हानिकारक होंगे। इस प्रकार से सूर्यदेव की स्थिति बताई। और जो है सो चंद्रदेव सूर्यदेव, चंद्र जो है सो प्रत्येक 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, उनका जो है सो हर 2-2.5 दिन में अच्छे और बुरे फल देते रहेंगे। इस प्रकार से पूरे महीने भर का राशि भविष्य मैंने कर्क राशि वालों को बताया। मंगल कामना करते हूँ, आपका महीना पूरा अच्छा बीते। हरिओम। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास।
आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।